हाय गाइस, वेलकम बैक टू डी वाई इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं, सबसे पहले आपको उसको एक से दो बार रीड जरूर करना है, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन रीड करने पर ही आधे से ज़्यादा समझ में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन को हम पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, -9। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें हमें कहा क्या गया है, मतलब हमें क्या करना है। इसमें कहा गया है कि फाइंड द पॉइंट, हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि एक्स एक्सिस पे है, विच इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस है जिसकी फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, -9। हमें एक पॉइंट फाइंड करना है, जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है। और वो जो पॉइंट है वो ये जो दो गिवन पॉइंट्स हैं इनसे इक्वल डिस्टेंस पे है। मींस कि वो पॉइंट, अगर हमारा ये पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जो ये हमारी ये दो पॉइंट हैं, मान लीजिए कि ये दोनों पॉइंट यहाँ हैं, तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और इन दोनों गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे है। तो हमें इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो हो जाता है। मींस जो हमारा ये पॉइंट है, हमें इसके कोऑर्डिनेट क्या पता चल गए कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स कॉमा जीरो होंगे। और अगर कोई कोऑर्डिनेट, जो हमारा कोई पॉइंट है, अगर वो वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0, y होते हैं। मीन्स उसमें जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरो हो जाता है। अब चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो सॉल्यूशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्यूशन करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम राइट करेंगे, हम राइट करेंगे वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट। हमें एक पॉइंट फाइंड करना है ऑन एक्स एक्सिस, मतलब वो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है हमें उसे फाइंड करना है। इसका क्या मतलब है? देयरफोर अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, दैट मीन्स कि उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी ज़ीरो। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। अगर कोई वाई एक्सिस पे लाई करता है पॉइंट, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। अभी हमने राइट कर लिया। अब चलिए हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये मान लीजिए कि कोई ये पॉइंट है और ये ऐसे जो आपका ये कार्टेशियन प्लेन है ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और यहाँ पे दो पॉइंट हमें और गिवन है, और ये जो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। मीन्स कि ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, सेम एज इन दोनों पॉइंट के बीच की हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, और उसके बाद इन दोनों डिस्टेंस को हम लोग इक्वल रख देंगे। और इक्वल रखने के बाद हमें जो यहाँ पे हमने माना है x, 0, जो हमारी x की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। मीन्स जो हमारा पॉइंट है हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो पॉइंट क्या है। अब चलिए हम लोग फाइंड करते हैं पॉइंट। सबसे पहले हम राइट करेंगे लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है वो क्या होगा, बच्चों वो होगा एक्स कॉमा ज़ीरो, जो कि पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है। अब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये जो हमारा पहला पॉइंट है वो एक्स कॉमा ज़ीरो है, और ये जो हमारा पॉइंट है, ये आपको जो गिवन था पॉइंट वो है 2, -5, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -2, -9।
अब हम इन दोनों की डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं इन दोनों के बीच की, फिर इन दोनों के बीच की, उसके बाद देखते हैं आगे क्या आएगा। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा ज़ीरो एंड 2 कॉमा माइनस 5, हम डिस्टेंस निकालेंगे पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। चलिए देखते हैं, हम इनको नेमिंग कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, मतलब कि हम यहाँ राइट करेंगे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला राइट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें बताया था कि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला तो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जो दूसरा था वो है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि आप रिमेंबर रखिए, जहाँ भी आपको जिस फॉर्मूले से कम सॉल्व करना पड़े आप वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा सेकंड फार्मूला था उसे यूज़ करेंगे, उसके हेल्प से जो हमारा आंसर है बहुत ही सिंपली और बहुत ही कम स्टेप्स में आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं, और अगर आप सेकंड यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ करेंगे, बट वो टिपिकल होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये सूटेबल होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे जो है आप यहाँ पे राइट कर लेंगे कि ए के जो आपके कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स कॉमा ज़ीरो हैं, और जो हमारा बी है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे हैं टू कॉमा माइनस फाइव, और यहाँ पे आप एक्स वन वाई वन करके राइट कर लेंगे, जिससे कि वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो उसमें आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। चलिए एक्स वन की वैल्यू जो हमारी होगी वो एक्स है, पुट कर देंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, एक्स टू की हमारी वैल्यू क्या है, टू है, ब्रैकेट का यूज़ करते हुए टू पुट कर देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, वाई वन की वैल्यू जो है हमारी वो है ज़ीरो, पुट करेंगे, माइनस लगाएंगे, और उसके बाद हमारी वाई टू की वैल्यू जो गिवन है वो माइनस फाइव है, इसको भी पुट करेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मींस कि यहाँ पे हमारा आएगा एक्स, ये आएगा माइनस टू, और स्क्वायर प्लस राइट करेंगे, और फिर यहाँ पे हमारा जो आएगा होगा ये माइनस बाहर ब्रैकेट की, इसका मतलब ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का फाइव आ जाएगा। अब हम लोग इतना करके सॉल्व कर दे छोड़ देते हैं और दूसरी डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वल रख के सॉल्व करना है। चलिए दूसरी डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए बच्चों अब दूसरी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, जो हमारी ए सी डिस्टेंस थी उसके हमने कोऑर्डिनेट्स राइट कर लिए हैं, सेम एज एक्स वन और वाई वन भी राइट कर लिया है, और हमने डिस्टेंस ए सी इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला राइट कर लिया। अब चलिए हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और डिस्टेंस निकालते हैं। हमारी एक्स वन की वैल्यू एक्स है, पुट कर देंगे, माइनस का यूज़ करेंगे, एक्स टू की वैल्यू जो है वो माइनस टू है, पुट कर देंगे, और फिर हम स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, y2 की वैल्यू जो गिवन है वो ज़ीरो है, फिर माइनस लगा देंगे, माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट में हम लोग y2 की वैल्यू पुट करेंगे, y1 की ज़ीरो थी, y2 की वैल्यू जो है वो नाइन है, इसको पुट करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, और इसको हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, ये आएगा x, और यहाँ पे माइनस है, अंदर ब्रैकेट में माइनस टू है, तो ये प्लस का टू हो जाएगा, तो x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा माइनस का नाइन का स्क्वायर। अब इतना होने के बाद जो हमें कंडीशन गिवन थी, यहाँ पे जो हमें कंडीशन गिवन थी उसको हम लोग देखते हैं। जो हमें कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, बाय गिवन कंडीशन द डिस्टेंस जो हमारी पहली डिस्टेंस ए बी है और जो हमारी दूसरी डिस्टेंस ए सी है, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, ये हमारी कंडीशन हमें गिवन थी। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं और जो हमें पूछा गया था पॉइंट उसे फाइंड करते हैं। जैसा कि हमें ये दोनों डिस्टेंस इक्वल दी हैं तो हम यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू, हमें गिवन है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो हम चलिए नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व, हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि हमारी जो ए बी डिस्टेंस है वो ए सी के इक्वल है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारी ए बी की वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी, ए बी की वैल्यू हमारी आई थी वन माइनस टू स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, ये हमारी ए बी की वैल्यू आई थी,
और ए सी की जो वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आया था माइनस नाइन का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम लोग स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो जो हमारा रूट है ये हट जाएगा। हट जाने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस माइनस नाइन का स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो हम लोग इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, और यहाँ पे जो हमारा फाइव का स्क्वायर होगा वो होगा ट्वेंटी फाइव, राइट कर देंगे। अब इक्वल के इधर देखते हैं, यहाँ पे हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है, इसको खोलेंगे। जो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसे खोल देंगे। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और जो हमारा यहाँ पे आएगा प्लस का फोर एक्स, सेम एज प्लस लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा माइनस नाइन का स्क्वायर होगा वो होगा एट्टी वन, राइट करेंगे। अब चलिए हम लोग इन जो क्या कहते हैं जो हमारी ये एक्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, और जो हमारी वाई जो हमारी क्या कहते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो रहा है, इसे कैंसिल कर देंगे। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ये वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड करते हैं। मीन्स यहाँ पर हमारा आएगा फोर एक्स, और ये माइनस का है, ये मतलब फोर एक्स है ये प्लस का इधर, तो इधर आएगा माइनस का फोर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एट्टी फाइव। सम करेंगे इन दोनों का तो एट्टी फाइव हो जाएगा, और जो ये हमारा जो ट्वेंटी फाइव है ये इधर साइड आ जाएगा, माइनस का ट्वेंटी फाइव होगा, और ये प्लस का फोर जो है ये भी माइनस का फोर हो जाएगा। मीन्स जो हमारी ये वैल्यू है वो एट एक्स आएगी, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा आएगा एट्टी फाइव, एट्टी फाइव, उसके बाद यहाँ माइनस लगाएंगे, इन दोनों का सम होने के बाद यहाँ पे आएगा ट्वेंटी नाइन। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस एट इक्वल टू, इन दोनों का जब माइनस होगा तो यहाँ पे हमारा आएगा फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स आएगा। इसके बाद हम लोग ये जो इसको एक्स इज इक्वल टू करके फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई जो माइनस एट है वो हमारा इस साइड आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस एट, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी ये जो माइनस है ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि माइनस हमेशा ऊपर लगेगा, इसलिए जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो आ चुकी है, वो होगी माइनस सेवन। अब जो हमें पॉइंट फाइंड करना था जिसे हमने लेट किया था, जो हमारा पॉइंट लेट जो हमने लेट किया था वो पॉइंट क्या था, हमारा पॉइंट था एक्स एक्स कॉमा ज़ीरो। मीन्स जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है माइनस सेवन, तो हमें पॉइंट जो फाइंड करना था वो आ चुका है। अब हम लोग राइट कर देते हैं। देयरफोर बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप उन्हें जाएँ और देखें, जिससे कि आपको ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। जो हमारा पॉइंट है वो आ चुका है, देयरफोर द पॉइंट इज़ माइनस सेवन कॉमा ज़ीरो। बच्चों आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है जो हमें देनी है, जैसा कि आपको जो हमारा यूट्यूब चैनल है डिवाइन इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग, इस पर आपको हिंदी और मैथ्स के क्लास टेंथ के वीडियोस अवेलेबल हैं, सेम एज क्लास नाइन्थ के आपके हिंदी के वीडियोस अवेलेबल हैं। जल्द ही आपको क्लास नाइन्थ में भी मैथमेटिक्स प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसके साथ साथ टेंथ क्लास के लिए आपको आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आपकी एसएसटी की जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है। जल्द ही आपको एसएसटी के वीडियोस जो है वो आपको पर डे 8:30 पे आपके इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।